हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर आदित्य। आज हम लोग के पास हीरो एक्सट्रीम 125 आर का टॉप मॉडल यानी कि ABS वाला मॉडल आज हम लोग के सामने खड़ा हुआ है। कितने वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्या इस बाइक की प्राइस रहने वाली है, क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं, आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, यानी कि बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल बाइकर आदित्य को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो इस बाइक में आपको टोटल 3 कलर वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक आपको देखने को मिलता है इसमें कोबाल्ट ब्लू कलर, दूसरा आपको स्टेलियन ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, और तीसरा अपना आपको फायर स्टोम रेड कलर देखने को मिलेगा, जो कि तीनों ही कलर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस बाइक के अगर फ्रंट की हेडलाइट अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर आपको पूरा LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको DRL देखने को मिल जाती है, दो प्रोजेक्टर वाले यहाँ पर आपको फ्रंट की इसकी हेडलाइट देखने को मिलेगी, जिसका आपको थ्रो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा नाइट टाइम्स पर। और यहाँ पर अगर आप मडगार्ड चेक करोगे तो आपको डुअल पार्ट का इसका मडगार्ड मिल जाएगा। ये बाइक आपको दो वेरिएंट मिल जाती है, ABS और IBS। आप चेक कर रहे हो इसका ABS वाला वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको 276 mm की बड़ी सी डिस्क देखने को मिल जाएगी, 90x90 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिलेगा 17 इंचेस के लेवल के साथ में। और फ्रंट में यहाँ पर अगर आप चेक करते हो इसमें आपको कन्वेंशनल फोक देखने को मिल जाते हैं 37 mm डायमीटर के। उसी के साथ में अगर आप टैंक इसका चेक करोगे तो आपको काफ़ी अग्रेसिव सा देखने को मिल जाता है, रेड सिल्वर और ग्रे के कॉम्बिनेशन का आपको टैंक देखने को मिल जाता है। 125R का स्टीकर देखने को मिलेगा, टैंक ऊपर में 3D लोगो मिल जाएगा एक्सट्रीम का आपको, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लुक निकाल के देता है। इंजन दर अगर आप आते हैं तो इसमें कंपनी देती है 124.7 cc का एक एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन, जो कि रिलीज़ करके देगा आपको 11.55 PS की मैक्सिमम पावर 8,250 RPM पर। बाकी 10.5 Nm का टॉर्क आपको इस बाइक मिल जाएगा 6,000 RPM पर। बाइक का पावर फिगर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में ये बाइक आपको आराम से 50 to 55 km तक का माइलेज दे देगी, बाकी आपकी राइडिंग ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप रियर प्रोफाइल चेक करते हो बाइक की, तो रियर में कंपनी इसमें 130 mm की ड्रम ब्रेक देती है। रियर से भी लुक बाइक की काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव सी निकल के आती है, काफ़ी स्पोर्टी सी फील होती है। यहाँ पर एक आपको टायर अगर मिल जाएगा, इस तरफ आपको मड फ्लैप देखने को मिल जाएगा, रियर में हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलता है MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर, 120x80 सेक्शन का टायर आपको इसमें मिलेगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में। बाकी अलॉय व्हील का पैटर्न आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। टेल सेक्शन अगर आप चेक करो तो कुछ ऐसा आपको ओवरऑल देखने को मिल जाता है, पूरा LED बेस्ड आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी, LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, और ग्रैब रेल भी आप यहाँ से इसकी चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो ये साड़ी गार्ड दे रखा है ये काफ़ी अच्छा लगता है, मॉडर्न लुक का साड़ी गार्ड है जो कि काफ़ी सही फीचर के साथ में आता है। ओपन चेनसेट कवर इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस बाइक को और ज़्यादा स्पोर्टी लुक निकाल के दे रहा है। बाकी यहाँ पर आपको 5 गियर बॉक्स सिस्टम देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाएगा, मेन स्टैंड देखने को मिलेगा, और उसी के साथ में अगर आप चेक करोगे तो ये बाइक E20 कंपेटेबल आप देख रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाती है 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, बार हैंडल आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, स्विचेस वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस तरफ आपको इंजन की शेल्फ वगैरह का देखने को मिल जाता है, फुल डिजिटल मीटर कंसोल इस बाइक में कंपनी ऑफर करती है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगता है। सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में सीट इसमें आपको काफ़ी लॉन्ग और वाइड देखने को मिल जाती है, 794 mm की इस बाइक में आपको सीट हाइट मिल जाती है, 180 mm की काफ़ी शानदार सी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इस बाइक में देखने को मिलती है। बाइक की लुक मतलब 125 cc सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, कंपेयर टू NS और रेडर के मुकाबले में काफ़ी अच्छी लुक आपको अब देखने को मिलती है। IBS में अगर आप परचेज करोगे इस बाइक को तो आपको उसमें 240 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ एक फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आपको तीनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसी के साथ में बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो हीरो एक्सट्रीम 125R ABS मॉडल की प्राइस होने वाली है 1,20,700 rupees की ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसी के साथ में अगर आप इसको IBS वेरिएंट परचेज करोगे तो उसकी प्राइस लगभग आपको 1,16,000 rupees के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगी। उसी के साथ में कुछ यही थी इसको ओवरऑल वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल बाइकर आदित्य को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।